हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो है गुणसूत्र एवं गुणसूत्र के प्रकार यानी कि क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो चलिए इसके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इन दोनों को पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद आपका जो पॉइंट टॉपिक है गुणसूत्र का वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और शायद ही आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुणसूत्र का वो है सर्वप्रथम ई स्ट्रसबर्गर के द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान धागेनुमा संरचना देखी थी। धागेनुमा संरचना यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया था और किसके द्वारा देखा गया था, वो स्ट्रसबर्गर के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन जो शब्द है वो फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था और इन्होंने क्रोमोसोम का खंडन समझाया है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धागेनुमा संरचना को डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र नाम दिया। तो धागेनुमा जो संरचना थी जो स्ट्रसबर्गर के द्वारा देखी गई थी, उसे गुणसूत्र जो नाम दिया है, क्रोमोसोम जो नाम दिया गया है वो वॉल्डेयर द्वारा के दिया गया है, और जिसका अर्थ है रंगीन रचनाएं यानी कि कलर्ड बॉडीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राणी कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। जीवधारियों की शारीरिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या को कायिक संख्या सोमेटिक नंबर या द्विगुणित संख्या डिप्लॉइड नंबर कहते हैं, जो 2n से समझा जाता है। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट जो है वो है युग्मकों में विभिन्न गुणसूत्रों का केवल एक एक प्रतिरूप रहता है जिसे अगुणित संख्या या जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटीन नामक पदार्थ से होता है जो मुख्य रूप से हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन दो प्रकार का होता है। जो गुणसूत्र का निर्माण होता है वो क्रोमेटीन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके आगे का जो पॉइंट है वो है पॉइंट नाइन्थ, वो है हेट्रोक्रोमेटीन जो होता है वो गाढ़ा रंजित भाग डार्क स्टेनिंग होता है और इसमें अधिक मात्रा में आरएनए और थोड़ी मात्रा में डीएनए होता है। तो जो ध्यान रखिएगा, इसमें अधिक मात्रा में हेट्रोक्रोमेटीन में अधिक मात्रा में आरएनए होता है और थोड़ी मात्रा में डीएनए होता है, और इसमें जो अनुवांशिक रूप से ये जो निष्क्रिय माना जाता है, इसे जेनेटिकली इनर्ट माना जाता है। और जो यूक्रोमेटीन होता है वो क्रोमेटीन का हल्का रंजित लाइट स्टेनिंग भाग होता है और इसमें डीएनए अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है, और यह आनुवांशिक रूप से सक्रिय भाग माना जाता है, जेनेटिकली एक्टिव माना जाता है यूक्रोमेटीन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरेडिटी जो दी गई है वो सटन के द्वारा दी गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो गुणसूत्र पर कुछ दाने के समान जो रचना दिखाई देती है जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र के सिरे या छोरों को, जो गुणसूत्र के सिरे होते हैं या छोर होते हैं उन्हें टॉलीमियर कहते हैं, टॉलीमियर कहा जाता है, जो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है गुणसूत्र के मुख्य रासायनिक अवयव डीएनए और आरएनए हिस्टोन प्रोटीन और अहिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए और आरएनए हिस्टोन प्रोटीन और अहिस्टोन प्रोटीन से जो ये जो है वो क्या है, गुणसूत्र के मुख्य रासायनिक अवयव हैं। नेक्स्ट है इसमें डीएनए की जो मात्रा होती है वो 36.5% होती है, आरएनए की 9.6% होती है, हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा 37.5 होती है, और जो अन्य होते हैं या अदर होते हैं या नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 10.4% होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ईजी बल्बियानी जो हैं उन्होंने महागुणसूत्र का अध्ययन किया है, जाइंट क्रोमोसोम का अध्ययन किया है, और उन्होंने चिरोनोमास के लार्वा की लार ग्रंथियों में पॉलिटिन गुणसूत्र की खोज की है। तो चिरोनोमास की जो लार्वा की लार होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम होती है, उसमें पॉलिटिन जो गुणसूत्र होता है, पॉलिटिन क्रोमोसोम होता है, उसकी खोज की है।
और इन गुणसूत्र में गहरे रंग वाले भाग को इंटरबैंड्स, जो इन गुणसूत्रों में गहरे रंग वाले भाग होते हैं उन्हें इंटरबैंड्स तथा, और जो हल्के रंग वाले भाग को इंटर बैंड्स कहा जाता है, सॉरी गहरे रंग वाले भाग को बैंड्स कहा जाता है और हल्के जो रंग वाले भाग होते हैं उन्हें बैंड्स कहा, इंटर बैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लैम्ब्रुश, जो गुणसूत्र की खोज फ्लेमिंग ने की थी। लैम्ब्रुश जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जो खोज है वो फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में की गई, और इसका जो नामकरण है रियूकट, रियूकट ने किया, और यह मियोसिस की डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं, ये मियोसिस के डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है बी गुणसूत्र की खोज विल्सन ने मेटापोडियम कीट में किया था, जो बी गुणसूत्र है उसकी खोज विल्सन के द्वारा मेटापोडियम कीट के में किया गया था। नेक्स्ट है कायिक गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा संजात गुणसूत्र का कम होना नलिसोमी कहलाता है। कायिक गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा संजात गुणसूत्रों का कम होना नलिसोमी कहलाता है, जिसे 2n-1 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है सन 1910 में सर्वप्रथम ब्लैक एसिली नामक वैज्ञानिक ने असुगुणिता यानी कि न्यूप्लोइडी की खोज की, जो धतूरा स्टेमोनियम से प्रसिद्ध है। असुगुणिता की खोज की जो कि धतूरा स्टेमो नियम के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगर किसी व्यष्टिगत में गुणसूत्र का संपूर्ण सेट गायब हो तो ऐसी दशा को नलिसोमिक कहते हैं, क्योंकि अभी बताया था कि इसमें गुणसूत्रों का कम होना पाया जाता है, और जो कम होना होगा तो वो क्या होगा, नलिसोमी। अगर ऐसी जो संपूर्ण सेट है उस वो गायब हो तो उसे भी नलिसोमिक कहेंगे। नेक्स्ट जो है जिन गुणसूत्रों की भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें मेट्रासेंट्रिक कहते हैं, जिन गुणसूत्रों की भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें मेट्रासेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 23rd, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अलिंगी गुणसूत्र, जो अलिंगी ऑटोसोम होता है, तथा लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अलिंगी गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र मनुष्य के गुणसूत्र का 23वां जोड़ा होता है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्य के गुणसूत्र का 23वां जोड़ा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में 21 जोड़ी ऑटोसोम व 22 जोड़ी हेटेरोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन की संख्या जो होती है वो 5 होती है, हिस्टोन प्रोटीन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। नेक्स्ट है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी रचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 4 प्रकार की हिस्टोन, तो कौन कौन सी होती है, H2A, H2B, H3 और H4 के दो दो अणु, तथा इनके जो चारों ओर डीएनए रज्जुक स्थित होते हैं, इनके चारों ओर डीएनए रज्जुक जो होते हैं वो स्थित होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियोसोम के ऑक्टोमर कोर में H1 अनुपस्थित होता है, तो H1 नहीं होता, बाकी H2B, H3, H2A, H4 सब होते हैं और H1 नहीं होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र की एक लड़ी वाले यूनेने में मॉडल को टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम का नाम पी ऑडेट के द्वारा दिया गया, और लास्ट जो पॉइंट है वो है गुणसूत्र के संपूर्ण पहचाने जाने वाले आकारकीय लक्षणों को कैरियोटाइप कहते हैं, तथा इन कैरियोटाइप को एक पैमाना विशेष पर प्रदर्शन करना, अगर हम पैमाने पर प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहेंगे ईडियोग्राम। ठीक है, ईडियोग्राम कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स ये थे पॉइंट्स, 31 पॉइंट्स थे गुणसूत्र से संबंधित। तो कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, कुछ रह गए होंगे, तो इससे संबंधित अब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो जो बचे कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक आपका जो टॉपिक है वो कवर हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर किसी व्यष्टिगत में गुणसूत्र का संपूर्ण सेट गायब हो तो ऐसी दशा को क्या कहते हैं। तो आपको भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जो पॉइंट्स बताए थे उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं नीलोसोमिक, नलीसोमिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया। तो ऑप्शन आपके सामने हैमरलिंग ने केंद्रक के भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया, तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा एसिटा बुलेरिया पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब द्विगुणित समुच्चय में से एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन है इसका ए न्यून सूत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पर बहुगुणितता का उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी रेफेनोब्रेसिका। नेक्स्ट इज, गुणसूत्र में गहन अभिरंजित क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन बताऊंगी, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट है, अधिसंख्य गुणसूत्र सुपर न्यूमरेसी क्रोमोसोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी बी गुणसूत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लिंग गुणसूत्र से संबंधित नहीं है, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीव के एक कोशिका में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 हो तो उसका जीनोम होगा। राइट ऑप्शन जो होगा इसका, आप सोच लीजिए इसका आंसर, तो मैं बताने जा रही हूँ, राइट ऑप्शन इसका होगा वो होगा ऑप्शन डी 23। नेक्स्ट इस गुणसूत्र की बाह्य आकारिका कहलाती है, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम की, जो बाह्य आकारिकी है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कैरियोटाइप। नेक्स्ट है, पॉलिटिन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? पॉलिटिन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो जिन्होंने की थी उनका नाम है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी बाल बियानी। बाल बियानी ने पॉलिटिन गुणसूत्र की खोज। नेक्स्ट है, मंगोलाइट जड़ बुद्धिता है, मंगोलाइट जड़ जड़ बुद्धिता है। राइट ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोमियर क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, तो राइट ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। तो गुणसूत्र को समान भुजाओं में बांटता है, गुणसूत्र को असमान भुजाओं में बांटता है, गुणसूत्रों को तर्क तंतु से जोड़कर रखता है, उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन जो है वो है सभी। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में सत्य कथन है? राइट ऑप्शन है इसका, चार ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की स्थिति निश्चित होती है। नेक्स्ट इज, गुणसूत्र में उपस्थित हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कौन से होते हैं वो? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी क्षारीय तथा अम्लीय। नेक्स्ट इज, हिस्टोन प्रोटीन में निम्नलिखित अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, एमिनो एसिड नहीं पाया जाता हिस्टोन प्रोटीन में, तो कौन सा नहीं पाया जाता वो है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट इज, न्यूक्लियोसोम है एक, न्यूक्लियोसोम है एक क्या है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ऑक्टोमर इकाई। नेक्स्ट इज पेंटामर इकाई, सॉरी ऑक्टोमर इकाई। नेक्स्ट है, हिस्टोन प्रोटीन का मुख्य कार्य है, तो मुख्य कार्य क्या होगा हिस्टोन प्रोटीन का? तो हिस्टोन प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन सी डीएनए की पैकिंग करना, डीएनए की पैकिंग करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन विषम बहुगुणिता नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए एक गुणित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वह बहुगुणित जिनमें स्वतः बहुगुणितता की वृद्धि होती है वह कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन
आप सोच लीजिए, जो इसका ऑप्शन होगा राइट वो होगा, वो है ऑप्शन डी, सॉरी बी, स्व बहुगुणितता, स्व बहुगुणितता ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है धतूरा प्रसिद्ध है, तो धतूरा प्रसिद्ध है किसके लिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, असुगुणितता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ तथा पितृ क्रोमेटेट के बीच अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, जीन विनिमय। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है क्या है। राइट ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, पॉलीटीन। नेक्स्ट इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम निम्नलिखित में एक रोग से ग्रसित रोग की में पाया जाता है, फिलाडेल्फिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो है वो है किसमें लिंग गुणसूत्रों जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं की संख्या सामान्य रहती है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज झालरदार गर्दन निम्नलिखित में किसका लक्षण है, चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सओ मादा। नेक्स्ट है आकार व सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर मानव के 46 गुणसूत्रों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो 46 गुणसूत्रों को कितने वर्गों में रखा गया है, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 7 वर्गों में। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों का समूहीकरण किस पर आधारित है, मनुष्य में गुणसूत्रों का समूहीकरण किस पर आधारित है, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैंड पैटर्न पर, बैंड पैटर्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बार बॉडी है, बार बॉडी क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन बी, धनात्मक क्रोमेटीन, पॉजिटिव क्रोमेटीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेटा फीमेल में निम्नलिखित होता है या होती है, मेटा फीमेल में निम्नलिखित होती है क्या होती है, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डबल एक्स डबल एक्स। नेक्स्ट है क्रोमोसोम में जीन की स्थिति दर्शाई जाती है, क्रोमोसोम में जीन की स्थिति दर्शाई जाती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति ज्ञात करके, क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति ज्ञात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं तो जीन किससे बने होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंबाई के घटते क्रम में क्रोमोसोम की व्यवस्था कहलाती है, तो लंबाई के घटते क्रम में क्रोमोसोम की व्यवस्था क्या कहलाती है, ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, ईडियोग्राम, ईडियोग्राम, घटते क्रम में क्रोमोसोम की व्यवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुणसूत्रों का सघनन दृष्टि बिंदुओं के साथ कोशिका चक्र की किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, गुणसूत्रों का सघनन दृष्टिगत बिंदुओं के साथ कोशिका चक्र की किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, चार ऑप्शन दे रखे नहीं है, सॉरी चार ऑप्शन नहीं है, तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दो ऑप्शन और हैं जो है सी है एस और डी है एम, तो आपको बताना है जी1 प्रावस्था, जी2 प्रावस्था या एस प्रावस्था या एम प्रावस्था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एम प्रावस्था, एम प्रावस्था, जो गुणसूत्रों का संघनन दृष्टि बिंदुओं के साथ कोशिका चक्र किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, तो वो है एम प्रावस्था, एम प्रावस्था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2N-2 स्थिति प्रदर्शित करने वाला व्यष्टिगत पादप तकनीकी तौर पर कहलाता है, तो 2N-2 को कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं चार ऑप्शन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, नलीसोमिक 2N-2, क्योंकि घटते क्रम में या कम होने के कम होते हैं, बताया था आपको जो पॉइंट्स थे उसमें, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नलीसोमिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो है केंद्रिका का निर्माण करने वाले भाग या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है गुणसूत्र का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, द्वितीयक संकीर्णन वन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन जो है वो है गुणसूत्र के किस भाग में डीएनए की अधिक मात्रा पाई जाती है, अधिक मात्रा किस भाग में पाई जाती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूक्रोमेटीन में। नेक्स्ट है अक्रिय गुणसूत्र क्या है, ऑप्शन ए वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम नाम दिया था किसने दिया था न्यूक्लियोसोम, तो ये पॉइंट्स में बताया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, पी ऑडेट ने न्यूक्लियोसोम का नाम दिया। नेक्स्ट है गुणसूत्र में ट्रेवेंट निम्नलिखित को कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, सैटेलाइट को। नेक्स्ट इज गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन वन तथा द्वितीयक संकीर्णन टू का संबंध क्रमशः निम्नलिखित से है, तो किससे है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताऊंगी, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर तथा सैटेलाइट से, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 90 डिग्री ताप पर रखा जाए तो 82 से 90 डिग्री पर रखा जाए तो क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने चार दे रखे हैं, तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो वो चूज होगा ऑप्शन डी, यह खुल जाता है और दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं यानी कि पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट है दैत्यकार गुणसूत्र, जो जायंट क्रोमोसोम होते हैं वो उपस्थित होंगे, तो किसमें होंगे, इसका भी जो पॉइंट्स मैंने शुरू में ही बताया था, इसका काफी इजी आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिप्टेरा वर्ग के कीटों के लार्वा की लार ग्रंथियों में, डिप्टेरा वर्ग के कीटों के लार्वा की लार ग्रंथियों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैंड्स तथा इंटरबैंड्स दिखाई देते हैं, इसका जो ऑप्शन है राइट वो होगा ऑप्शन बी, पॉलीटीन गुणसूत्र में, बैंड्स तथा इंटरबैंड्स पॉलीटीन गुणसूत्र में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पॉलीटीन गुणसूत्र डिप्टेरा वर्ग के कीटों के लार्वा में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पॉलीटीन जो गुणसूत्र है डिप्टेरा वर्ग के कीटों के लार्वा में पाए जाते हैं, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, वसाकाय में, मालपीजियन नलिकाओं में और लार ग्रंथियों में भी और उपयुक्त सभी में, तो तीनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाई गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि हेट्रोसोम भी कहते हैं, एलोसोम भी, इनर्ट क्रोमोसोम भी, और ये तीनों, मतलब जो राइट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सत्य है कि गुणसूत्र के आधार पर क्या होता है, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, तीन गलत हैं और एक सत्य है, तो जो सत्य ऑप्शन है, जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र के आधार पर शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बॉडी संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सॉरी चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्त्रियों की कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में सही है कि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर वह भाग है जहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं क्या होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, तर्क तंतु जुड़ते हैं, निम्नलिखित में सही है कि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर वह भाग है जहां पर तर्कु तंतु जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सत्य कथन है, चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से तीन गलत होंगे या चारों सही होंगे,
तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों ही जो कथन है वो सत्य है। हेटरोसोम में वाई गुणसूत्र उपस्थित रहता है, हेटरोसोम में लैंगिक गुणों से संबंधित जीन पाए जाते हैं, ऑटोसोम में लैंगिक गुणों से संबंधित जीन नहीं पाए जाते। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुणसूत्र के न्यूक्लियोसोमल मॉडल से संबंधित वैज्ञानिक है। तो कौन से वैज्ञानिक हैं जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल से संबंधित हैं? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, कॉर्नबर्ग एवं थॉमस, कॉर्नबर्ग एवं थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक जीनोम है गुणसूत्रों का, एक जीनोम है गुणसूत्रों का। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, अगुणित सेट, अगुणित सेट। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन में कुछ गुणसूत्र या इसके कुछ भाग अपेक्षाकृत अधिक संघनित हो जाते हैं, वह क्रिया कहलाती है, वह क्रिया क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन है वह क्रिया कहलाएगी हेट्रोपिक्नोसिस। तो समसूत्री विभाजन में कुछ गुणसूत्र या इसके कुछ भाग अपेक्षाकृत अधिक संघनित हो जाते हैं, वह हेटेरोपिक्नोसिस कहलाते हैं, हेट्रोपिक्नोसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट है किसी जंतु में बी गुणसूत्र, अगर किसी जंतु में बी गुणसूत्र है तो क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, अधिक संख्या में होने पर ये जीव की उर्वरता एवं ओज को कम करते हैं। ठीक है, तो किसी जंतु में बी गुणसूत्र है तो वो अधिक संख्या में होने पर ये जीव की उर्वरता एवं ओज को कम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्लाज्मिड का गुण नहीं है, प्लाज्मिड का गुण नहीं है। तो इसके ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लैम्ब्रुश गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्धसूत्री विभाजन के डिप्लोटीन वन में। नेक्स्ट है लैम्ब्रुश गुणसूत्र का कार्य है, लैम्ब्रुश गुणसूत्र का कार्य है ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, योक निर्माण। नेक्स्ट इज लैम्ब्रुश गुणसूत्र की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लैम्ब्रुश गुणसूत्र की खोज जिनके द्वारा की गई वो थे ऑप्शन ए, फ्लेमिंग तथा रिकर्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सत्य है कि गुणसूत्र में क्रोमोमियस क्रोमेनिमेटा पर, ऑप्शन दे रखे हैं चार, निम्नलिखित में से सत्य है कि गुणसूत्र में क्रोमोमियस क्रोमोनिमेटा पर, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, क्रोमोनिमेटा पर एक रेखीय क्रम में असमान दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, जो क्रोमोमियर्स होते हैं वो क्रोमोनिमेटा पर एक रेखीय क्रम में असमान दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक इकाइयाँ का घनिष्ठ संबंध है, अनुवांशिक इकाइयों का जो घनिष्ठ संबंध किससे है? तो चार ऑप्शन है सैटेलाइट टेलोमियर क्रोमेटिड, और चौथा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रोमेटिड, आनुवंशिक इकाइयों का घनिष्ठ संबंध जिससे है वो है क्रोमेटिड। नेक्स्ट है एसेंट्रिक गुणसूत्र में क्या होता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं एसेंट्रिक गुणसूत्र में क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एल तथा जे, एल अथवा जे के आकार में क्रोमोसोम है, तो एल अथवा जे के आकार में क्रोमोसोम कितने हैं, क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन सी, सब मेटा सेंट्रिक, ऑप्शन सी, एल अथवा जे के आकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, सब मेटा सेंट्रिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूकेरियोटिक गुणसूत्र में निम्नलिखित में क्या अनुपस्थित होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन आरएनए कुछ भी नहीं होता। तो
अनुखोज भी अनुपस्थित नहीं होता, तो राइट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है गुणसूत्र में टीलोमियर का क्या कार्य है। टीलोमियर का, टेलेमोर का जो कार्य है वो है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, गुणसूत्रों की ध्रुवता बनाए रखना। गुणसूत्र में टीलोमियर का जो कार्य है वो है गुणसूत्रों की ध्रुवता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गुणसूत्र में अधिक संख्या में सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं तब ये इसकी पूरी लंबाई में फैले रहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, तो सभी कहते हैं। डिफ्यूज सेंट्रोमियर कहते हैं, नॉन लोकेटेड सेंट्रोमियर कहा जाता है उसे, होलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर भी कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है तब इसे कहते हैं, जब गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है तब उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन डी, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक कहा जाता है, सेंट्रोमियर एक किनारे पर स्थित होता है तब उसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित गुणसूत्र डीएनए को क्या कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्लाज्मोन। प्लाज्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट इस क्रोमोमियर है, क्रोमोमियर क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक जीन को व्यक्त करता है। क्रोमोमियर जो होता है वो एक जीन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट इस लैम्पुश गुणसूत्र पाए जाते हैं कशेरुकियों के किसमें पाए जाते हैं, जो लैम्पुश गुणसूत्र होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अंडाणु में। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में क्या सही है कि पॉलिटिन गुणसूत्र में क्या होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है चार वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, इंटरबैंड्स में बैंड्स की अपेक्षा डीएनए की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिन गुणसूत्र निम्नलिखित लार्वा की लार ग्रंथि में दिखाई देगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कायरोनोमस। कायरोनोमस, पॉलिटिन गुणसूत्र निम्नलिखित यानी कि कायरोनोमस लार्वा की लार ग्रंथि में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थिति में मनुष्य में स्त्रियों के समान गुण परिलक्षित होंगे, किस स्थिति में। तो इसके सा आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैरियोटाइप के द्वारा किसी गुणसूत्र के, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट ऑप्शन है इसका, जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, विशेष प्रकार के गुणसूत्र समुच्चय की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल स्त्रियों के समान गुण किस प्रकार के सिंड्रोम में दिखाई देंगे। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, टर्नर। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में उपस्थित अनुवंशिक इकाई को जीन कहा था, किसने कहा था सबसे पहले अनुवंशिक इकाई को जीन, तो जिन्होंने कहा था उनका नाम है जोहानसन, ऑप्शन सी, जोहानसन ने। नेक्स्ट है, सेंट्रोमियर के द्वारा क्या होता है, सेंट्रोमियर के द्वारा, तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं, जो सेंट्रोमियर के द्वारा क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, पॉलिटिन क्रोमोसोम में बहुत से क्रोमेटिड एक बिंदु से जुड़े होते हैं जिसे कहते एक बिंदु से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, क्रोमोसेंटर। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम निम्नलिखित स्थिति में होता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो निम्नलिखित स्थिति में होता है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, XO। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में सत्य कथन है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज, टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र की स्थिति होती है, टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र की स्थिति होती है, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, मोनोसोमिक। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, पर आई होप कि आपका जो ये टॉपिक है गुणसूत्र का,
इसी जो क्वेश्चन है सी में सारा कवर हो जाएगा, सी में सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, अगर गुणसूत्र में से आया तो इसी में से मिल जाएगा और आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आप फ्री हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग ये ही काफ़ी रहेगा। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है लैम ब्रश गुणसूत्र में ब्रश के समान संरचना बनी होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आरएनए तथा प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक इकाइयां हैं, अनुवांशिक इकाइयां क्या हैं, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जीन। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम में निम्नलिखित अनुपस्थित होता है, टर्नर सिंड्रोम में निम्नलिखित अनुपस्थित होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हैटेरोसोम में वाई गुणसूत्र, हेटेरोसोम में वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंप ब्रश गुणसूत्र से संबंधित रचना है, लैंप ब्रश गुणसूत्र से संबंधित रचना है, तो राइट ऑप्शन इज सी, लूप्स। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसमें 23वें जोड़ में गुणसूत्रों की स्थिति में मनोसोमिक होती है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट इज अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए है, अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्लास्मिड। नेक्स्ट है बार बॉडी का संबंध है, बार बॉडी का संबंध किससे है, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, एक्स गुणसूत्र से। नेक्स्ट है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का निम्नलिखित स्थिति होती है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ट्राइसोमिक। नेक्स्ट इज लैम्ब्रश गुणसूत्र में लूप्स जिस अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं वह अक्ष बना है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, डीएनए का। नेक्स्ट है ईडियोग्राम है, ईडियोग्राम क्या है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक पैमाना विशेष जिस पर क्रोमोसोम के कैरियोटाइप को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्रियोटिक्स में आनुवंशिक कारक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है पॉलिटिन गुणसूत्र निम्नलिखित संरचना के द्वारा पहचान की जाती है, तो इसका जो सही जवाब होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही युग्म है, तो युग्म दे रखे हैं, तो सही युग्म कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम 46+1 गुणसूत्र। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की ट्राइसोमिक स्थिति होती है, ट्राइसोमिक स्थिति होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 21वें जोड़े में। नेक्स्ट है एपिसोम है, एपिसोम क्या है, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, जीवाणु गुणसूत्र के साथ संयुक्त प्लाज्मिड। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि थोड़े और क्वेश्चंस बचे हैं और वीडियो काफ़ी लेंदी बड़ा हो चुका है, तो थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनको बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप चिंता ना करें और आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। और इसी तरह के टॉपिक्स मैं लाती रहूँगी, इस तरह के क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगे, कोई सजेशन हो तो भी लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।